नहाने से पहले वाली रूटीन तो आप लोगों ने बहुत लोगों की देखी होगी मैं नहाने के बाद की वाली रूटीन दिखा रही हूँ सबसे पहले मैं लगाऊंगी सेलेसिलिक एंड ये एडेप्टोजेन मास्क फ्रॉम ओ थ्री प्लस ये फाइट करता है एक्ने के साथ ब्लमिश के साथ ओपन पोर्स के साथ ब्लैक हेड वाइट हेड सब चीज़ों को रिमूव कर देता है फाइव नाइन नाइन इसकी एम आर पी है एंड ऑल्सो इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स है ना बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें ना सना माइड इसमें सेलेसलिक एसिड है तो अगर आपकी स्किन के ऊपर यू नो एक्ने मास्क हैं या फिर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा या तो आपकी स्किन की डेड स्किन रहती है ना तो डेफिनेटली दे, वाला आ, मास्क जो क्ले बेस्ड मास्क है ना ट्राई कर लेना इसके साथ आपकी स्किन डीपली एक्सफोलिएट होती है क्लेंज हो जाती है तो हफ्ते में दो बार मैं लगा लेती हूँ इसको आप नहाने से पहले भी ऑफकॉर्स लगा सकते हो तो मैंने नहाने के बाद लगा लिया तो मैंने सोचा पूरी स्किन केयर अपनी कर लूँगी और मास्क जब तक सूख रहा है इसको ट्वेंटी मिनट्स तक लगा के रखना है अच्छे से तो उसके बाद मैंने लिया है ये टोनर ये एल्फोनिस का है पोटैटो कैरेट सीड एंड एजलिक एसिड वाला एंटी पिगमेंटेशन टोनर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए इस टोनर को मैं अप्लाई करूँगी अपने अंडर आर्म्स में इसमें पोटैटो है जो हेल्प करता है डार्क डार्क स्पोर्ट्स को रिड्यूस करने में कैरेड ऑयल है जो नेचुरल ग्लो देने में यू नो हेल्प करता है टू ट्वेंटी फाइव रुपीज़ है इसका प्राइस और ये जेंटली एक्सफोलिएट भी करता है बिकॉज इसमें एजलिक एसिड है तो अपने अंड्राम्स में स्पेशली मैं इस टोनर को यूज करती हूँ पहले से मेरे अंड्राम्स जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गई हैं पहले बहुत ज्यादा डार्क थी अभी मैं एक्सफोलिएट भी करती हूँ जो उसका ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में दिखा दिया था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था तो उसके बाद मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी अपनी अंड्राम्स को फिर यहाँ पर मैं जेल मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ राइस वाला ये फेस मॉस्चराइजर है भी अप्लाई कर सकते हो ताकि आपके अंडराम्स जो है वो काफ़ी सॉफ्ट रहें बिकॉज मैं शेव करती हूँ तो काफी ड्राई एंड थोड़े से हार्ड हो जाते हैं ओके okay जी उसके बाद यहाँ पे मास्क मेरा सूख चुका है तो मैं यहाँ पे इसको रब करके रिमूव कर रही हूँ विद दिस सॉफ्ट पैड कॉटन पैड जो होता है इसके साथ ना एक्सपोलियट हो जाता है और नोज की साइड पे जो ब्लैक एंड वाइट हेड होते हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे से डेड स्किन है जो रिमूव हो जाती है और यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी द ग्लो मेरी स्किन इंटेंसिवली लाइक इंटरनली क्लीन हो चुकी है और मैंने लिप्स को भी थोड़ा स्क्रब कर लिया इसी टावल के साथ यू कैन सी बिकॉज लिप्स थोड़े मॉइस्ट रहते हैं ना तो यहाँ पे स्किन मेरी ग्लो कर रही है क्लीन हो चुकी है उसके बाद मैंने चिया सीड यहाँ पे ये स्प्रे वाटर लिया है फॉर माय स्किन फेशॉप का ये काफ़ी अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है ऑल्सो ड्राई नहीं बनाता है स्किन को स्पेशली इस सर्दियों वाले मौसम में अच्छे से जब तक मेरा टोनर यू नो पहले करेगा स्किन में पेनोट्रेट हो जाएगा उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर ठीक है मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ लॉजिका का ग्लो जेलो मॉइस्चराइज़र ये मेरा बहुत फेवरेट वाला है लिटरली इसको दिल करता है कि खा जाऊँ इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है तो अच्छे से मैंने इसको अप्लाई किया एंड या सिर्फ मैंने सिंपल सा एक फेस मास्क लगाया जो मेरी स्किन को क्लीन कर रहा है फिर मैंने अच्छे से टोनर लगाया और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया बट हाँ स्पेशली आपने एक अच्छी चीज़ नहीं भूलनी है कि सनस्क्रीन लगाना और खूब 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 सारा सनस्क्रीन मैंने लगाया है अपनी नेक के ऊपर फेस के ऊपर ये डॉटन का मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है

वेरिएंट में थोड़ा सा लिक्विड है थोड़ा गिर गया था बट तो ये आपके लिप्स को जो ग्लो देता है ग्लॉसीनेस देता है ना उसी के साथ आपके स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है हाइड्रेट कर देता है नरिश्ड कर देता है आपके लिप्स को तो यहाँ पे फिर मैंने किया है कॉम्ब और उसके बाद मैंने बालों को अच्छे से कॉम्ब करके एक हाइबन बना लिया है बाल थोड़े से ऑयली हो रखे थे सो आई थॉट खुल खुली नहीं छोड़ूंगी और वैसे भी शर्ट पहनी हुई थी मैंने और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको टाई कर लिया एंड लास्ट में परफ्यूम लगाना नहीं भूलूंगी परफ्यूम मैं लगाऊंगी शर्ट के ऊपर और ये रहने का है ब्लूम परफ्यूम विच इज़ माई फेवरेट करंट फेवरेट एंड दैट सेट यहाँ पर आप देख सकते है, मेरी स्किन ग्लो करी एंड ये नेचुरल uh, सनलाइट में मेरी स्किन कुछ ऐसे दिखती है तो दिस वॉज माई सिंपल आफ्टर शावर स्किन केयर